खरगोन पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोच लिया है जो एटीएम कार्ड क्लोन करके पैसा निकाल लेता था। सैकड़ों लोगों के एटीएम कार्ड क्लोन कर अकाउंट से पैसे निकालने के आरोप में 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 22 एटीएम कार्ड, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और एक कार जब्त की है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी हरियाणा राज्य के होकर जिले में वारदात को अंजाम देने आए थे। संदीप, मुकेश, जयपाल, संजीव नाम के इन आरोपियों ने ग्वालियर, पन्ना, इंदौर एटीएम क्लोनिंग कर लोगों की गाड़ी कमाई पर सैद लगा चुके हैं। ये गैंग एटीएम बूथ में कार्ड बदल लेते थे, फिर कार्ड स्कैन कर अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कल मैनगांव थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुआ था कि एक I-20 जो हरियाणा से पास है उसमें कुछ 4 संदिग्ध लड़के बात कर रहे हैं, एटीएम से पैसे वगैरह निकालने की बात कर रहे हैं। इस आधार पर पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया उनको, तो उनके पास से हमें एक कट्टा, 22 एटीएम कार्ड्स और एटीएम क्लोनिंग के लिए एक कार्ड रीडर जो मशीन होती है वो भी पुलिस को मिला है। जब पूछताछ किया गया तो ये ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने अलग अलग समय पे मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटना घटित की है। ये किसी एटीएम में चले जाते हैं और वहाँ पे जिनको असुविधा होती है कार्ड से पैसे निकालने में, वो वृद्ध व्यक्ति या किसी महिला से या गांव के किसी ग्रामीण व्यक्ति से, तो उनकी मदद के नाम पे ये उनसे कार्ड ले लेते हैं और कार्ड को स्वाइप करके उसकी कॉपी अपने कार्ड में कर लेते हैं और फिर वो कार्ड उनको वापस कर देते हैं। साथ में उनसे या तो पिन पूछ लेंगे या फिर उनको देख लेते हैं तो किसी तरह से वो पिन की जानकारी हासिल कर लेते हैं और फिर दूसरे एटीएम में जाकर उनके अकाउंट से ये पैसे निकाल लिया करते हैं। इस तरह से ये पिछले काफ़ी समय से ये लोग काम कर रहे हैं और हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में या कहाँ कहाँ पर इन्होंने इस तरह के अपराध घटित किए हैं। पुलिस द्वारा इन 4 को गिरफ्तारी करके हम उसके PR ले रहे हैं। देसी कट्टा भी सर उनके पास है? हाँ, उनके पास एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने उसमें रखा था कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो उसके सुरक्षा, तो उन्होंने अपने पास एक देसी कट्टा भी संभाल कर रखना बताया था। ये 4 लड़के हरियाणा के हैं और जींद और कैथल जिले के रहने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।